हाय गाइस, जैसा कि आपने वीडियो को स्टार्टिंग में इंट्रो देखा, आज वैसे ही इंट्रो हम बनाने वाले हैं। तो इस इंट्रो को बनाने के लिए हम काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको अपने प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विदाउट वाटरमार्क वाला काइनमास्टर का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, एक्सपर्ट रेशो को 16:9 सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और उसके टाइमिंग को यहाँ 25 सेकंड तक कर लेना है, कुछ इस तरीके से। और प्लेयर को स्टार्टिंग में लेना है, फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ अपने चैनल का लोगो डाल देना है, जैसा कि मैं ऐड करता हूँ, आपको अभी ऐड कर लेना है। फिर लोगो की टाइमिंग को भी एक्सटेंड करके कुछ इस तरीके से यहाँ एंड तक कर देना है, जितना बड़ा कि हमारा बैकग्राउंड है। फिर प्लेयर को स्टार्टिंग में लेना है, फिर यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ अब हम एक इंट्रो टेम्पलेट यूज करेंगे। जो मैं टेम्पलेट यूज़ करता हूँ उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से टेम्पलेट ऐड हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ आपको राइट साइड में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और फुल स्क्रीन को सिलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, इस बार भी हमारा जो टेम्पलेट है वो ग्रीन स्क्रीन में है, तो हमें ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है। तो यहाँ आपको एक क्रोमा के का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसे इनेबल कर देना है। और हमें क्या करना होगा, यहाँ आपको की कलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेम्पलेट में ग्रीन कलर है वो रिमूव हो जाएगा। और आपको एक पैरामीटर सेट करना होगा यहाँ, तो आपको यहाँ 28 दिख रहा होगा तो उसको फुल करके यहाँ 50 कर देना है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो चैनल का लोगो है वो सही से प्लेस नहीं हुआ, तो यहाँ आपको पहले राइट पे क्लिक करके बैक हो लेना है, फिर यहाँ लोगो को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से लोगो को जूम कर लेना है और यहाँ टेम्पलेट के सर्कल के बीच प्लेस कर देना है। लोगो सेट हो जाने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक करके बैक हो लेना है। फिर तब हमें क्या करना है, एक हमारे चैनल का नेम ऐड करना है, तो यहाँ नेम ऐड करने के लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ अपने चैनल का नेम डाल देना है कुछ इस तरीके से। नेम ऐड हो जाने के बाद नेम को ड्रैग करके नीचे लाना है और जस्ट लोगो के नीचे प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, हमारा जो चैनल का नेम है उसको भी एक्सटेंड करके यहाँ एंड तक कर लेना है। और अब हमें क्या करना है, हमने जो हमारा चैनल का नेम ऐड किया उसमें फॉन्ट चेंज करना है, तो आपको डबल एक आइकन दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको सेंस सेरिफ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको पॉपिंस ब्लैक करके फॉन्ट मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट करना है। ये फॉन्ट आपके काइनमास्टर में नहीं है तो यहाँ आपको काइनमास्टर का स्टोर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉन्ट ऐड हो जाने के बाद यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। फिर हमें क्या करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ आपको राइट साइड में कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ लाइट पिंक कलर को सिलेक्ट कर देना है, फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। और अब हमें क्या करना है, हमारे जो चैनल नेम है उसको एक आउटलाइन देना है, तो यहाँ आपको आउटलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ उसे इनेबल कर देना है और उसका कलर चेंज करना है। तो आपको यहाँ कलर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ आप जो चाहो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ राइट पे क्लिक करना है और यहाँ राइट पे क्लिक करके बैक हो लेना है। फिर से हमारे चैनल नेम को सिलेक्ट करना है और उसमें हम एक एनिमेशन डालेंगे, तो यहाँ आपको इन एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ आपको कन्वर्ज करके एक एनिमेशन मिल जाएगा, उसे सेलेक्ट कर देना है और उसके टाइमिंग को यहाँ 0.5 सेकंड तक कर लेना है और यहाँ से राइट पे क्लिक करके बैक हो लेना है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो इंट्रो का काम है वो ख़त्म हो चुका है और हमें एक सेटिंग करना होगा, तो आपको लेफ्ट साइड में सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है और वीडियो फेडआउट को इनेबल कर देना है और उसके टाइमिंग को यहाँ 1 सेकंड तक कर लेना है, फिर यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, हमारा जो इंट्रो का काम है ख़त्म हो चुका है, तो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ हमारा इंट्रो कैसा बना है।
तो गाइज हमारा इंट्रो काफ़ी शानदार और काफ़ी यूनिक भी लग रहा है। तो इंट्रो बन जाने के बाद इंट्रो को सेव करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है। और यहाँ आप जो चाहो रेजोल्यूशन में सेव कर सकते हैं, 4K तक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूँगा 1080p को सिलेक्ट करें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। और यहाँ बिट रेट को हाई रखना है और यहाँ एक्सपर्ट पे क्लिक कर देना है। तो आई होप कि आप भी इंट्रो बनाना सीख गए होंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।